के साथ प्रधानमंत्री की ये बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बैठक की तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COP28 और ग्रुप सीईओ ऑफ आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के अध्यक्ष डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबेर से ये मुलाकात की है। इस बैठक का उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र में संबंध को मजबूत करना और सहयोग के नए अवसरों की तलाश करना है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COP28 और ग्रुप सीईओ ऑफ अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के अध्यक्ष से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएई दौरे के दौरान की ये ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये मुलाकात COP28 और ग्रुप सीईओ ऑफ अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के अध्यक्ष से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह मुलाकात ख़ास तौर पर जो जलवायु परिवर्तन को लेकर उठाए जा रहे कदमों को लेकर, जैसा हम जानते हैं कि COP28 जो है उसकी अध्यक्षता यूएई के पास है इस समय, और G20 की अध्यक्षता भारत के पास है। तो इस मायने में भी दोनों देशों के बीच एक दूसरे को सहयोग देने को लेकर सहमति है। तो COP28 और ग्रुप सीईओ ऑफ आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के अध्यक्ष से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई का ये दौरा संक्षिप्त दौरा है, लेकिन पावर पैक्ड कार्यक्रम है उनका, और इसी कार्यक्रम के तहत ये मुलाकात प्रधानमंत्री ने की है COP28 और ग्रुप सीईओ ऑफ अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के अध्यक्ष से। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां की जो राष्ट्रपति हैं उनसे भी मुलाकात का कार्यक्रम है। जो ये तस्वीरें हैं ये COP28 और ग्रुप सीईओ ऑफ अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के अध्यक्ष से मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें प्रधानमंत्री की मुलाकात की COP28 और ग्रुप सीईओ ऑफ अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के अध्यक्ष से जो उन्होंने मुलाकात की है उसी की तस्वीरें आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। और बहुत ही अहम, ख़ास तौर पर जलवायु परिवर्तन पर जो उठाए गए कदम हैं भारत की तरफ से, जिस तरह भारत ने बढ़ चढ़ कर कदम उठाया है, और COP28 की अध्यक्षता जैसा कि मैंने बताया कि यूएई के पास ही है, तो ये मुलाकात जो है ये काफ़ी अहम। और यूएई के एक दिन के दौरे पर अबू धाबी पहुँचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधिकारिक तौर पर स्वागत किया गया। इस दौरान यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद जायद अल नाहयान भी मौजूद रहे, और पीएम मोदी को इस दौरान गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। पीएम मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के बीच